अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लिटिल किड्स ऑफ नर्सरी, वी विल लर्न टुडे अबाउट लेटर ओ। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट लेटर एन, एंड दैट इज 14th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। Now here we have letter O, 15th letter of alphabet, English alphabet family. Okay, क्या है O? O यहाँ से start होगा, हम इसको finger इधर रखेंगे, ऐसे नीचे के लिए downwards curve line left right की तरफ जाएगी, फिर ऊपर जोड़कर ऐसे curve line ओ बन जाएगा। ओके, दिस इज स्मॉल केस ओ, कैपिटल एंड दिस इज स्मॉल, कैपिटल ओ स्मॉल ओ। ओके, ओ की शक्ल में आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वॉल क्लॉक होती है ना, वो भी ओ जैसी होती है, गोल। आपकी अम्मी रोटी बनाती है गोल गोल गोल, चपाती बनाती है ना, हाँ। ओ फॉर ऑरेंज, है ना, गोल ये भी। ओ फॉर ऑरेंजेस, ओ फॉर ऑरेंजेस ऑक्टोपस, ओ ओ ओ ओ इज़ द साउंड ऑफ ओ, ओ इज़ द साउंड ऑफ ओ। O for oranges, O for octopus, O for oranges, O for octopus, O O O, O is the sound of O. O for ostrich, सबसे बड़ा जानवर, ये परिंदा है सबसे बड़ा। O for ostrich, इसकी बड़ी बड़ी टांगे, इतना बड़ा नेक। ओके, O for ओवल, आपको पता ओवल को दिन में दिखाई नहीं देता, इसको रात में दिखाई देता है, हमको रात में दिखाई नहीं देता, इसको रात में दिखाई देता है। ओ फॉर ओवल, ठीक है। ओ फॉर अनियन, पता है अनियन को जब काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इट ब्रिंग्स टीयर इन आर आईज व्हेन वी कट इट। ओके, ओ फॉर अनियन, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑयल, ऑयल हम लगाते हैं ना सिर में, हाँ वो ही वाला ऑयल, खाते भी हैं, हाँ। ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ओवल, ओ फॉर अनियन, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑरेंजेस ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑरेंजेस, ओ फॉर ऑक्टोपस, अ अ अ, अ इज़ द साउंड ऑफ ओ, अ इज़ द साउंड ऑफ ओ। ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ओवल, ओ फॉर अनियन, ओ फॉर ऑक्टोपस, O for oil, O for ox. Okay, hope you will understand. Okay, you will learn it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.